इस वीडियो में हम इस तरह का विजिटिंग कार्ड बनाएंगे। जब हम इस तरह के विजिटिंग कार्ड बनाते हैं जिसमें हमको पिक्चर्स की ज़रूरत होती है, इमेजेस की ज़रूरत होती है, उस कंडीशन में हम वो इमेजेस गूगल से डाउनलोड करते हैं। गूगल से जब हम डाउनलोड करते हैं तो वो इमेजेस कॉपीराइट होती है, लेकिन हमको फ्री इमेजेस चाहिए ताकि उस पर कोई कॉपीराइट एक्शन ना आए। कॉपीराइट एक्शन जब आता है, जब हम उसको एज ए प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्री इमेजेस कहाँ से लेंगे उसके बारे में देखते हैं, और उसके बाद में हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। freepik.com एक वेबसाइट है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एक ये वेबसाइट है freepik.com। आप यहाँ से जो भी पिक्चर सर्च करना है उसका नाम टाइप कीजिए, जैसे आपको मोबाइल की पिक्चर चाहिए, और इंटर प्रेस कीजिए, सर्च बोलिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारी मोबाइल की पिक्चर्स आ चुकी है। इसमें दो टाइप की पिक्चर मिलेंगी आपको, एक तो पेड रहेंगी और एक फ्री रहेंगी। जिस पे आपको इस तरह का साइन आएगा वो पेड रहेंगी, और जिस पे इस तरह का कोई साइन नहीं रहेगा वो फ्री रहेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड है, ये पेड है, इसके लिए हमको पैसे पे करना पड़ेगा। ये फ्री है, ये फ्री है, ये पेड है, ये फ्री है, ये फ्री है। तो यहाँ हमको गूगल से अच्छी क्वालिटी की ज़्यादा पिक्सल्स वाली इमेजेस मिलती है। ये फ्री है, ये पेड है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है अनस्प्लैश, इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। पेस्ट करता हूँ। तो ये दो वेबसाइट हो गई। तीसरी और वेबसाइट है, यह है पिक्साबाय। यहाँ से भी आप फ्री इमेजेस ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रीपिक, अनस्प्लैश और पिक्साबाय। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फ्री इमेजेस ले सकते हैं, जिसपे कोई कॉपीराइट नहीं होता है। यहाँ से आपको जो भी इमेजेस सर्च करना है, यहाँ पे नेम टाइप कीजिए, सर्च कीजिए। आपको फोटोज चाहिए, इलस्ट्रेशन चाहिए, वेक्टर्स चाहिए। जैसे वेक्टर्स पे अगर हम क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर्स इमेजेस है पूरी। आपको जो भी इमेजेस चाहिए उस पर राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं, सेव इमेजेस कर सकते हैं। आप जब अगर कॉपी करेंगे तो कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, इस तरह इमेजेस पेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आप इस पर राइट क्लिक करके इसको सेव इमेज एज बोल सकते हैं, जो कि आप जिस लोकेशन पे चाहें वहाँ सेव कर सकते हैं। एक ऑप्शन आता है सेव इमेज एज बोले तो वहाँ पे सेव होता है। यहाँ से भी हम जो चाहे वो इमेजेस सर्च कर सकते हैं। अगर आपको इमेज चाहिए राइट क्लिक सेव इमेजेस, यहाँ पे ऑप्शन आता है, एक नहीं आ रहा है, राइट क्लिक सेव इमेजेस, देखिए आप यहाँ पे आ रहा है। सेम इस तरह एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, आपको इमेजेस को नाम दीजिए और सेव कर दीजिए। तो इसकी इमेज क्वालिटी भी अच्छी होती है। देखिए अब आया हो इमेजेस, थोड़ा लेट वर्क हुआ था। इमेजेस क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेंगी, पिक्सल्स भी अच्छे मिलेंगे। तो इस तरह हम फ्री इमेजेस फ्रीपिक, अनस्प्लैश और पिक्साबाय, और इसके अलावा फ्री इमेजेस वेबसाइट बोल के आप गूगल में टाइप करो, यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेज वेबसाइट्स मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो डिज़ाइन है उसको। आपको मैं बताया था कि जो हमारा विजिटिंग कार्ड का
साइज होता है, यहाँ क्लिक करेंगे, पहले हम यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाए, फिर यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ इसको 3.5 बोले, देन टैब की प्रेस करें, 2 बोले और इंटर प्रेस करें, तो ये हमारे पास डिज़ाइन रेडी है, साइज़ रेडी है। देन सेम ऐसे ही हमको यहाँ बनाना है। तो सबसे पहले हम ये देखें क्या इसको बॉर्डर दी हुई है, तो हम इसको बॉर्डर कैसा देंगे, इस पर क्लिक करके, ये आउटलाइन रहती है, यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको बॉर्डर दे देंगे। कंट्रोल जेड अंडू करता हूँ मैं, आप यहाँ से भी दे सकते बॉर्डर, अंडू करता हूँ मैं यहाँ से, और आप यहाँ से भी दे सकते बॉर्डर। यहाँ से भी आप बॉर्डर दे सकते हैं। आप कलर यहाँ से भी दे सकते हैं। एक मिनट, यहाँ से कलर देंगे आप, सेम कलर है देखिए ये वाला, या फिर राइट क्लिक करके भी दे सकते हैं आप। नेक्स्ट हम यहाँ कुछ टाइप करेंगे, टाइप कर दिए, नेक्स्ट फिर और कुछ टाइप करेंगे, इस तरह इसको यहां सेट करेंगे। अगर हमको सेम फॉन्ट चाहिए तो हम यहां से फॉन्ट सर्च करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और डाउन एरो को प्रेस करते रहेंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरह आपको फॉन्ट दिखाई देंगे। क्लिक करना है, पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है और डाउन एरो को प्रेस करना है, जैसा मुझे ये चाहिए। इसका भी फॉन्ट मुझे चेंज करना है, क्लिक, पहले तो ये सिलेक्ट रहना चाहिए, फिर यहाँ क्लिक और फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए इस तरह से। नेक्स्ट इसके नीचे किस तरह से लाइन बनी हुई है, तो लाइन बनाने के लिए लास्ट में आपको पेन टूल बताया था, पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, पेन टूल क्लिक करेंगे, फिर जहाँ तक चाहिए वहाँ तक क्लिक करेंगे और 2 टाइम्स क्लिक करके छोड़ देंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे उस तरह से लाइन आ चुकी है। अब इसको आउटलाइन के जरिए इसको इस तरह बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडू करता हूँ, फिर से पेन टूल का यूज़ करके क्लिक करता हूँ पेन टूल पे, फिर कंट्रोल प्रेस करता हूँ और फिर जहाँ चाहिए मुझे वहाँ पे क्लिक करके 2 टाइम्स क्लिक करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ और जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ पे ले जाकर पॉइंटर को 2 टाइम्स क्लिक कर देता हूँ, माउस से 2 टाइम्स क्लिक कर देता हूँ, तो इस तरह स्ट्रेट बन जाएगा। तो जब भी आप इस तरह कुछ लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको शिफ्ट का यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम इसको 1 देते, तो देख सकते हैं अब मैं इसको कलर कैसे दिया, पहले ब्लैक था, इस तरह का जो भी कलर था इसको मैं राइट क्लिक किया इस पे इस तरह, तो ये कलर चेंज हो गया। मैं इसको भी कलर देता हूँ ये वाला, इसको ब्लैक दे देंगे। अब मैं इसको इस तरह सेलेक्ट कर रहा हूँ इस तरह, ओके। नेक्स्ट अब मुझे पहले इसको बनाना है इस तरह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेबसाइट का सिंबल है, एक होम का सिंबल है और एक फ़ोन का सिंबल है, और यहाँ पे दिया है। तो पहले 3 बॉक्स बनाए थे सेम इस तरह, तो अलग अलग कलर में बनाए हुए हैं। मैं माउस के ज़रिए से इसको जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, माउस के स्क्रॉलर के ज़रिए, माउस के स्क्रॉल यूज़ करेंगे आप उसके लिए। यहाँ से एक बॉक्स बनाएंगे,
क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक करके डाउन में ड्रैग करेंगे। इस तरह जब आएगा तो राइट क्लिक करके छोड़ देंगे और एक बार और कंट्रोल आर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन बन गए, कंट्रोल आर से रिपीट होता है। अब इसको आपको कलर देना है, ये कलर दिए, थोड़ा इससे लाइट कलर देना है, तो पर्पल में थोड़ा लाइट चाहिए। पर्पल पे क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पे टू टाइम्स क्लिक करेंगे, करने के बाद में थोड़ा इसको लाइट कर देंगे। इसको और थोड़ा लाइट करना है, फिर से पर्पल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टू टाइम्स क्लिक करेंगे और लाइट कर देंगे। तो हम देख सकते हैं इससे मिस्टर हम बना चुके हैं। अब यहाँ पर आउटलाइन है, हम चाहे तो आउटलाइन रख सकते हैं, अगर हमको आउटलाइन नहीं चाहिए तो इसको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक कर देंगे इस तरह आउटलाइन पे, या आप यहाँ पे भी इस पे क्लिक करके आउटलाइन हटा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सेम इस तरह आ चुका है। अब हम यहाँ पे इस तरह सिंबल लाएंगे, तो हमको जाना होगा गूगल में, अभी फिलहाल गूगल इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, और कुछ सिंबल होते हैं। हम जाएंगे टेक्स्ट में सिंबल लाने के लिए, टेक्स्ट में जाएंगे, इंसर्ट सिंबल कैरेक्टर, शॉर्टकट की कंट्रोल F11 है, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, इसमें से डाउन में जाकर हम चूज करेंगे वेबडिंग्स, यहाँ से हम चूज़ करेंगे। तो हमको क्या क्या चाहिए इस तरह से, जो जो सिंबल चाहिए वो यहाँ देखेंगे। इसका यूज़ पहले ज़्यादा होता था, लेकिन जब से इंटरनेट है तो इसका यूज़ बहुत कम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम इंटरनेट से एक से एक निकाल ले सकते हैं। क्लिक करके ड्रैग किया हूँ मैं इसको, तो हमारे पास तीनों सिंबल आ चुके हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये चीज़ मैं टेक्स्ट में जाकर इंसर्ट कैरेक्टर से लिया हूँ। अब मैं इसको लेता हूँ, कलर दे देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। इसको भी सेम, छोटा करके यहाँ रख देता हूँ। अब मैं इसको इस तरह बड़ा करता हूँ, इसको यहाँ सेट करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटलाइन जो है ब्लैक है, हम इसको आउटलाइन व्हाइट कर देंगे इस पे, व्हाइट पे राइट क्लिक करके इसको यहाँ सेट करेंगे। इस पे भी राइट क्लिक करेंगे व्हाइट, इसको यहाँ सेट करेंगे और इस पर भी राइट क्लिक करेंगे। और आप चाहे तो फिल कलर भी यहाँ पे कर सकते हैं, तो कलर भी फिल हो जाता है इसमें। इस तरह से तो अब हम ये ले चुके हैं। नेक्स्ट जो भी मोबाइल नंबर वेबसाइट वगैरह डालना है हम यहाँ पे डाल देंगे। कंट्रोल कैसे, हम इसको ब्रेक करते, यहाँ सेट करते, सेम इसकी कॉपी चाहिए मुझे, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, कंट्रोल प्रेस करके डाउन में ड्रैग करता हूँ। तब यहाँ पे हम
वेबसाइट, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब ऐड कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब हमारा ये डिज़ाइन बनाना बाकी है, इसके लिए हम क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ से, बना लिए, इसको कलर दे देंगे, राइट क्लिक करके आउटलाइन हटा देंगे, ये हो गया। नेक्स्ट, इस तरह दिखना है ये, तो दो तरीके से हम ले सकते हैं, और एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इस तरह रेक्टेंगल बनाने के बाद में आप फिर क्लिक करेंगे शेप टूल, कंट्रोल क्यू, अरेंज में जाकर कंट्रोल क्यू करो, कन्वर्ट करेंगे इसको, क्योंकि हम यहाँ पे शेप टूल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंटर में क्लिक करेंगे, सेंटर में क्लिक करके बाद इसको इस तरह कर देंगे और इसको कलर दे देंगे। एक तरीका और तीसरा वो भी है कि हम सिर्फ पेंट टूल के जरिए से यहाँ क्लिक करके, इस तरह क्लिक करके, इस तरह क्लिक करके, फिर यहाँ क्लिक करके इसको मिक्स करके इस तरह हम बना सकते थे। बनने के बाद सेम नीचे इसको ड्रैग करते थे, राइट क्लिक करके छोड़ने के बाद में यहाँ से इसको चेंज करते थे, तो देख सकते हैं हम सेम ऐसे ही अप्लाई हो जाता है, ऐसा भी कर सकते थे हम। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है इस तरह लेने का है, तो हम रेक्टेंगल लेंगे, तो यहाँ पे हमको रेक्टेंगल नहीं बल्कि पॉलीगोनल टूल लेना है। यहाँ से इस पर क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ से 4 पॉइंट ही है, हम अगर 5 पॉइंट लेंगे तो ये इस तरह बनेगा, इसको 4 करेंगे तो ये इस तरह बनेगा, इसको जितने पॉइंट देंगे उस हिसाब से इन्हें ऐसा काम करेंगे, तो हम 4 पॉइंट ही लेना है हमको यहाँ पे। आप देख सकते हैं सेम ऐसे ही है, इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ सेट हो गया। देन इसको भी कलर देंगे, कलर देने के बाद में शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये सिलेक्ट रहना चाहिए, इस पॉइंट पे क्लिक करके थोड़ा अंदर ड्रैग करेंगे, अंदर लेकर ड्रैग करना, राइट क्लिक करके छोड़ देना है। अब आप क्या करोगे, इसको भी कलर देंगे। अब जो बाहर का जो कलर है वो सेम ये कलर है, ये वाला कलर देते हैं हम इसको, लेकिन ये थोड़ा अंदर गया हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसा लिए तो बाहर ये दिखाई देगा, तो हमको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा अलग टेक्निक यूज करने उसके लिए बताता हूँ मैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक और सेम इस तरह का कलर आना चाहिए, तो एक और ड्रैग करते, शिफ्ट प्रेस करेंगे, इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इसको ये वाला कलर देंगे। नेक्स्ट, अब इसमें आप पिक्चर लेंगे, तो आपको पिक्चर कैसा लेना है, आपको राइट क्लिक करना है, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने के बाद में आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स रहती है, जैसे डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं, यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाता हूँ, कोरल ड्रॉ में जाता हूँ, कुछ इमेजेस देखता हूँ वहाँ पे है क्या। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस है, जैसा मुझे इसको लेना है इस पर क्लिक करता हूँ, या फिर मुझे इसको लेना है, जो भी इमेजेस लेना है उस पर क्लिक करके इम्पोर्ट बोलेंगे। इम्पोर्ट बोल के इमेजेस इस तरह आ जाती है, आप देख सकते हैं पॉइंटर चेंज है, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, जितनी बड़ी इमेज होना उतना एरिया ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरह इमेज आ चुकी है। अब इस इमेज को हम यहाँ रखेंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरह हम इमेज रख दी है, लेकिन इमेज फुल स्क्रीन में आना चाहिए इस तरह से, तो ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है पूरा, ऐसा भी ठीक लग रहा है, लेकिन अलग अगर अलग इमेज रही तो उसको कैसा सेट करेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा ऑप्शन है, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छा क्लियर तरीके से बताने वाला हूँ। तो सेम इस तरह से कैसा करना है बताने वाला हूँ आपको मैं,
एक थोड़ा अलग ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेने के बाद में राइट क्लिक, इंपोर्ट, कंट्रोल आई से भी इंपोर्ट कर सकते हैं आप, या फिर फाइल में जाकर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से पिक्चर लेंगे, जैसा आप ये पिक्चर लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो यहाँ हमको कितना एरिया चाहिए हो, तो उसके लिए हम इस पिक्चर को इसमें ऐड करना है। तो इस इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके जैसे आप राइट क्लिक करते हैं, जैसे आप लेफ्ट क्लिक से इसको इधर लाते हैं, तो आप देख सकते हैं पॉइंटर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप इस पर राइट क्लिक करते हैं और इस बॉक्स पे जैसे लाते हैं, तो आपका जो पॉइंटर है शूट के सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह आपको राइट क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे लाना है और क्लिक छोड़ देना है। जब आप क्लिक छोड़ दोगे तो आपके सामने एक इस तरह से ऑप्शन क्रिएट आएंगे, ऑटोमेटिक जनरेट होंगे, आपको क्लिक करना है पावर क्लिप इनसाइट पर, तो आप देख सकते हैं वो इमेज इस बॉक्स में सेट हो गई। जब आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपको इसके अंदर पिक्चर एडजस्ट करना है, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करना है और यहाँ पे क्लिक करना है एक बार, तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे टू टाइम्स क्लिक करना है कंट्रोल प्रेस करके, तो इस तरह इमेजेस आएंगे। अब आप इसको इमेजेस को इस तरह सेट करेंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करके बाहर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं इमेज इसके अंदर फिट हो गए। तो इस तरह हम इमेजेस को इन बॉक्स के अंदर वगैरह सेट कर सकते हैं। लेकिन हमको इस तरह बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको कंट्रोल जी कर देंगे, ग्रुप कर देंगे, अरेंज में जाकर ग्रुप होता है, ग्रुप कर दिया, हम देख सकते हैं सिंपल इस तरह से उठेगा, लेकिन अभी भी पूरा ग्रुप नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करते हैं, इसको पूरा ग्रुप करने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, ये भी साथ में सेलेक्ट हो रहा है, इसको थोड़ा मैं आगे ले लेता हूँ। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, अब कंट्रोल जी करेंगे, अब देख सकते हैं कंप्लीटली नहीं हो रहा है, फिर भी कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, मैं इसको भी थोड़ा बाजू हटा लेता हूँ, अब सेलेक्ट करता हूँ, अब कंट्रोल जी करता हूँ, अब हम देखेंगे कि कंप्लीटली सेलेक्ट हो चुका है। फिर हम इसको यहाँ रख देंगे इसके जगह पे, इसको थोड़ा बड़ा करके प्रॉपरली इस तरह कॉर्नर सेट करना पड़ेगा इसके, आप जितना चाहे इसको जूम करके कॉर्नर सेट कर सकते हैं, आपको इसको बारीकी से करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को मिलाना पड़ेगा सिस्टमेटिक। नेक्स्ट आप इसको यहाँ रखेंगे, सेम इसको भी इस तरह कर देना, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, इसका साइज कितना है यह है, इसको कॉपी कर दीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए और सेलेक्ट करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए, सेम वो साइज यहाँ पे आ जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए, शिफ्ट प्रेस कीजिए, फिर इस पर क्लिक कीजिए और ई प्रेस कीजिए, नहीं हुआ है, सिलेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ, नहीं तो इक्वल हो जाता है ई प्रेस करने से। नेक्स्ट हम इसको सिलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके, इस बॉक्स में लाएंगे और क्लिक छोड़ देंगे, सेम ऑप्शन आएगा पावर क्लिप इनसाइड, यहाँ पे आ चुका, फिर कंट्रोल प्रेस करके इस पर टू टाइम्स क्लिक करेंगे और इसको इस तरह यहाँ पे सेट कर देंगे। कंट्रोल प्रेस करके बाहर क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये बाहर सेट हो रहा है। अगर हमको सेम इस तरह से लेना है, तो उसके लिए हम जो ये बनाए थे सेम पेन टूल से भी इस तरह बना सकते हैं।
इस तरह से आप पेन टूल से भी इसको बना सकते हैं, और शेप टूल के जरिए आप इसको इस तरह पूरा मिला देंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह आप कर सकते हैं इसको। तो डिपेंड करता आप पे के डिज़ाइन को जो बना रहे हैं आप, आउटलाइन दिखना चाहिए या फिर आउटलाइन के ऊपर ये आना चाहिए। अगर हम चाहे तो आउटलाइन दिखेंगे, हम चाहे तो आउटलाइन नहीं दिखेंगे। हम चाहते कि आउटलाइन दिखे, इसको इसके हिसाब से सेट कर दीजिए। कंट्रोल डी, सॉरी कंट्रोल, यहाँ पे डिल, इसमें ऑप्शन होता है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है और कंट्रोल आल से रिपीट होता है। तो हम इसको सेलेक्ट करके उसके अलावा डायरेक्ट शॉर्टकट की इस पर क्लिक करके ड्रैग करते हैं और राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं। और अब इसको यहाँ से इसके ज़रिए सेट कर लेते हैं इस तरह से। और हम देख सकते हैं अब हम किस तरह बनाए, इसी को यहाँ पे सेट कर देंगे इस तरह से। और इसको ये वाला कलर दे देंगे, आउटलाइन हटा देंगे। सेम यही क्लिक करके यहाँ राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। इसका डुप्लीकेट यहाँ आ चुका है, इससे इसको मैनेज कर लेंगे। तो जब हम इसकी कॉपी बनाते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं, तो सिंपल इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करके ड्रैग करते हैं, राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं, तो इसकी कॉपी बन जाती है। तो हम देख सकते हैं तकरीबन हम इस तरह का ये बना चुके हैं। तो ये तो हम डिज़ाइन देख कर बनाए, क्योंकि आप जब भी कोई डिज़ाइन बनाते हैं, जब आप डिज़ाइन में परफेक्ट हो जाएंगे, सबसे पहले तो आप डिज़ाइनें देख देख कर बनाओगे, आपको अच्छी डिज़ाइन बनाना आ जाएंगी। उसके बाद में जब आप डिज़ाइन बना रहे हो तो आपकी डिज़ाइन किसी से मैच नहीं होती, हर बार एक डिज़ाइन अपने स्किल के हिसाब से नई डिज़ाइन क्रिएट होती है। और हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे डिज़ाइन बने, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। तो अभी तो मैं आपको डिज़ाइन पूरे देख कर बता रहा हूँ कि कैसा बनाते हैं, फिर बाद में आपको एक लॉजिकली बताऊंगा, फिर आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप अपने तरफ से सेल्फ खुद के डिज़ाइनर बना के आप मुझे भेजिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह हम ये बना चुके हैं। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जी करते हैं, जो कि ग्रुप होगा, क्लिक करके इस तरह ड्रैग करते हैं नीचे, राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं, और इस पर क्लिक करके फिर आप इस पर क्लिक कर देते हैं ऐसा। तो आप देख सकते हैं इस तरह लोकेशन चेंज हो गया, क्लिक करें तो यहाँ से होता है, देख सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट ये टाइप कर देना है, हो गया। होंगी अगर कुछ डाउट्स है तो आप मैसेज में, कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।